वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, मईशत, तिजारत, सरमायाकारी समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सनअत समेत दीगर शुबों में तआवुन की 23 मुफाहमती याददाश्तों और माहदों पर दस्तखत। चीनी वज़ीर आज़म ने पाक चीन दोस्ती को बेमिसाल करार दिया, कहा दोस्ती आजमाइश की हर घड़ी में पूरा उतरी, पाकिस्तान के साथ मजबूत इक्तिसादी शराकत दारी चाहते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, हाई कोर्ट्स के 3 जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी और जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल, हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। कराची वालों को बिजली का झटका, फी यूनिट 10 रुपये 1 पैसे महंगी, इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया, जून में 2 रुपये 68 पैसे, जुलाई में 3 रुपये 11 पैसे, अगस्त में 3 रुपये 22 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे, सितंबर के लिए बिजली 1 रुपये फी यूनिट महंगी। इद्दत में निकाह का केस, बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर समाअत 11 जून तक मुलतवी, अदालत की दरख्वास्त के साथ बयान हल्फी लगाने की हिदायत, फरीकैन को दोबारा नोटिस जारी, जज ने रिमार्क्स दिए, शिकायत कुनंदा को नोटिस किया था, वो नहीं आना चाहते तो ना आए, अदालत केस सुनेगी। हमारे रिहा होने वाले कारकुनान को जेल के बाहर से फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, मालूम नहीं कि उड़न तश्तरियाँ आ रही हैं या कोई खलाई मखलूक, ये मुल्क में हो क्या रहा है। उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब, FIA नोटिस का मामला भी उठा दिया, DG FIA को ऐवान में तलब करने का मुतालबा। अडियाला जेल में लाहौर पुलिस की शाह महमूद कुरैशी से 9 मई से मुतालिक मुकदमात की तफ्तीश, पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी के माहिरीन भी शामिल, टीम पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए किट भी साथ लेकर गई, शाह महमूद कुरैशी के जवाबात की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेगी। मरियम नवाज ने काश्तकारों के लिए CM पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी दे दी, महज 6 लाख रुपये सब्सिडी की तजवीज मुस्तरद, छोटे ट्रैक्टर पर 70 और बड़े पर 50% सब्सिडी देने की हिदायत, पहला मरहला 1 साल में मुकम्मल करने का हुक्म, काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का फैसला, नवाज शरीफ की तजवीज़ पर स्कीम के तहत ट्रैक्टरों की तादाद 10,000 बढ़ा दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शायर अहमद फराद की बजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त निपटा दी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अगर ज़रूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रजू कर सकते हैं, अहकामात पर अमल दरामद करवाना आता है। प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान का एजाज़ अता, सदर मुमलिकत ने एजाज से नवाजा, तकरीब में वफाकी वज़रा, गैर मुल्की सफीरों समेत आला हुकाम की शिरकत। और T20 वर्ल्ड कप का पहला बड़ा अपसेट हो गया, पाकिस्तानी टीम को पहली बार मेगा इवेंट खेलने वाली टीम अमेरिका ने सुपर ओवर में हरा दिया, मोहम्मद आमिर ने सुपर ओवर में 3 वाइड बॉल्स कराई, 18 रन दे डाले, पाकिस्तान सिर्फ 13 रन ही बना सका। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, हाई कोर्ट्स के 3 जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी और जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल, हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। कराची वालों को बिजली का झटका, फी यूनिट 10 रुपये 1 पैसे महंगी, इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया, जून में 2 रुपये 68 पैसे, जुलाई में 3 रुपये 11 पैसे, अगस्त में 3 रुपये 22 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे, सितंबर के लिए बिजली 1 रुपये फी यूनिट महंगी। इद्दत में निकाह का केस, बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर समाअत 11 जून तक मुलतवी, अदालत की दरख्वास्त के साथ बयान हल्फी लगाने की हिदायत, फरीकैन को दोबारा नोटिस जारी, जज ने रिमार्क्स दिए, शिकायत कुनंदा को नोटिस किया था, वो नहीं आना चाहते तो ना आए, अदालत केस सुनेगी। हमारे रिहा होने वाले कारकुनान को जेल के बाहर से फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, मालूम नहीं कि उड़न तश्तरियाँ आ रही हैं या कोई खलाई मखलूक, ये मुल्क में हो क्या रहा है। उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब, FIA नोटिस का मामला भी उठा दिया, DG FIA को ऐवान में तलब करने का मुतालबा।
अडियाला जेल में लाहौर पुलिस की शाह महमूद कुरैशी से 9 मई से मुतालिक मुकदमात की तफ्तीश। पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी के माहिरीन भी शामिल। टीम पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए किट भी साथ लेकर गई। शाह महमूद कुरैशी के जवाबात की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेगी। मरियम नवाज ने काश्तकारों के लिए सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी दे दी। महज 6 लाख रुपए सब्सिडी की तजवीज मुस्तरद। छोटे ट्रैक्टर पर 70 और बड़े पर 50% सब्सिडी देने की हिदायत। पहला मरहला 1 साल में मुकम्मल करने का हुक्म। काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का फैसला। नवाज शरीफ की तजवीज पर स्कीम के तहत ट्रैक्टरों की तादाद 10,000 बढ़ा दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शायर अहमद फराद की बजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अगर जरूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रजू कर सकते हैं। अहकामात पर अमल दरामद करवाना आता है। प्रिंस रहीम आगा खान को निशाने पाकिस्तान का एजाज अता। सदर मुमलिकत ने एजाज से नवाजा। तकरीब में वफाकी वजरा गैर मुल्की सफीरों समेत आला हुकाम की शिरकत। और T20 वर्ल्ड कप का पहला बड़ा अपसेट हो गया। पाकिस्तानी टीम को पहली बार मेगा इवेंट खेलने वाली टीम अमेरिका ने सुपर ओवर में हरा दिया। मोहम्मद आमिर ने सुपर ओवर में 3 वाइड बॉल्स कराई, 18 रन दे डाले। पाकिस्तान सिर्फ 13 रन ही बना सका। मरियम नवाज ने काश्तकारों के लिए सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी दे दी। महज 6 लाख रुपए सब्सिडी की तजवीज मुस्तरद। छोटे ट्रैक्टर पर 70 और बड़े पर 50% सब्सिडी देने की हिदायत। पहला मरहला 1 साल में मुकम्मल करने का हुक्म। काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का फैसला। नवाज शरीफ की तजवीज पर स्कीम के तहत ट्रैक्टरों की तादाद 10,000 बढ़ा दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शायर अहमद फराद की बजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अगर जरूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रजू कर सकते हैं। अहकामात पर अमल दरामद करवाना आता है। प्रिंस रहीम आगा खान को निशाने पाकिस्तान का एजाज अता। सदर मुमलिकत ने एजाज से नवाजा। तकरीब में वफाकी वजरा गैर मुल्की सफीरों समेत आला हुकाम की शिरकत। और T20 वर्ल्ड कप का पहला बड़ा अपसेट हो गया। पाकिस्तानी टीम को पहली बार मेगा इवेंट खेलने वाली टीम अमेरिका ने सुपर ओवर में हरा दिया। मोहम्मद आमिर ने सुपर ओवर में 3 वाइड बॉल्स कराई, 18 रन दे डाले। पाकिस्तान सिर्फ 13 रन ही बना सका।